2017 चुनावों दौरान राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर द्वारा चाहे दावा किया जा रहा है 85% के करीब वादे उनके द्वारा पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन इसके विपरीत जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिल रही है। राज्य के कर्मचारियों द्वारा अनदेखी किए जाने के चलते राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और ऐसा ही कुछ पठानकोट में भी देखने को मिला, जहां अपनी मांगों को लेकर पन बस कर्मियों द्वारा रोष जाहिर करते हुए 3 दिन के लिए बस अड्डों को बंद कर दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा मीटिंग का समय मिलने के बाद दूसरे दिन बस अड्डों को खोल दिया गया। लेकिन आज मीटिंग न होने की वजह से पन बस कर्मियों का गुस्सा एक बार फिर से फूटा, और आज उनके द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कैप्टन सरकार को उनके वादे याद दिलाए और राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। आज का प्रदर्शन है भी पहला असी 12-13 तरीक की हड़ताल रखी थी, जिदे साडी ट्रांसपोर्ट मंत्री ठेका मलाज संघर्ष मोर्चा रल के असी पटियाले विखे महारैली की थी। महारैली सानू एक पैनल मीटिंग मिली सी ट्रांसपोर्ट मंत्री ना ते सीएम पंजाब ना मुख्यमंत्री पंजाब ना। उस मीटिंग दे विच की है जी 18 तरीक सानू मीटिंग दित्ती सी, 18 तरीक सानू मीटिंग लिखती दित्ती सी इन्हां ने, ते अज ओह मसला आ भी जिहड़ी 13 तरीक नूं असीं हड़ताल पोस्टपोन कीती सी, उस करके असीं 1 घंटे दा बस स्टैंड बंद किया कि सरकार जिहड़ी आ ओह अपने वादे तों भज गई आ। सरकार ने साडी जिहड़ी मीटिंग करन तों भज गई, सरकार ने सानू मीटिंग दा समां नहीं दित्ता। फिर सरकार ने लिखती मीटिंग दित्ती सी ओह भी सरकार 18 तरीक तों भज गई आ। हुण सरकार ने 30 तरीक नूं मीटिंग दित्ती आ, वेखो ਵੀ ਉਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 2016 ਵਾਲਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਗੂ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ।